नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। 14 दिसंबर बड़ा शनिवार, करें यह उपाय। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। इस वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा पढ़ने से रातों रात बन सकते हैं अमीर। आइए जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो सभी पेड़ अपने आप में बहुत खास होते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ बाकी पेड़ों की तुलना में अधिक प्रिय माना जाता है। पुराने शास्त्रों के अनुसार ये देवी देवताओं की पूजा के लिए पीपल के वृक्ष को ही सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष भगवान को अधिक प्रिय है, इसलिए इसके आसपास की गई छोटी से छोटी पूजा भी अपना असर जरूर दिखाती है। ऐसे में अगर आप अपनी किस्मत की रेखाओं को बदलना चाहते हैं, तो ये वृक्ष आपके लिए सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीपल के वृक्ष से होने वाले फायदों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे अपने जीवन में अपनाकर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, अर्थात कामयाबी पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अधिक धन राशि पाने के लिए करें ये उपाय। यदि आपके घर में पैसों को लेकर कमी चलती आ रही है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, वो भी केवल कुछ उपाय अपने जीवन में अपनाकर। तो पैसों की प्राप्ति के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होगी। इसके लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ लें। अब आप इस पत्ते को गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद आप इसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से इस पर श्री लिखें। अब इसके बाद इस पत्ते को धूप अगरबत्ती से पूजन करते हुए अपने बटुए या पर्स में रख लें। हर शनिवार आप इस क्रिया को दोहराते रहें। ऐसा करने से आपका पर्स या बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रखें कि इसके लिए आपको हर शनिवार लगभग 11 पत्ते तोड़कर उनका शुद्धिकरण करके कुमकुम से उन पर राम का नाम लिखना है और बजरंगबली हनुमान जी का 40 का जप करना है। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर ये माला चढ़ा दें। ऐसा हर हफ्ते करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि के प्रकोप से बचाता है ये वृक्ष। मामूली सा दिखने वाला पीपल का वृक्ष बहुत अधिक फायदेमंद है। इसके फायदे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिन्हें धार्मिक तौर पर सबसे पवित्र माना जाता है। इन सब में सबसे ऊपर पीपल का वृक्ष ही आता है। अगर आपकी कुंडली में 7.5 या कोई और दोष चल रहा है तो पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके आप हर प्रकार के दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। केवल यही नहीं, पीपल का वृक्ष हमें भगवान शनि के प्रकोपों से बचाता है। पीपल के वृक्ष में देवी देवता खुद बसते हैं। शायद इसलिए इस पेड़ की मात्र परिक्रमा से ही काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। जो भी व्यक्ति अपने घर में पीपल का वृक्ष लगाता है, उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। इसके अलावा धीरे धीरे उसके दुख भी सुख में बदलने लगते हैं। जैसे जैसे ये पीपल बड़ा होता जाएगा, वैसे ही आपके घर के सुख और शांति भी बढ़ती चली जाएगी। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से माने जाते हैं। कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं इनकी कृपा को पाने के लिए। इनकी कृपा मात्र से ही आपके भाग्य खुल जाते हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। पीपल को अपने बच्चों की तरह बड़ा करें और इससे होने वाले फायदों को उठाएं। अगर आप ऐसा करते हैं या पीपल की वृक्ष की इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।